हे गाइस, गुड मॉर्निंग कोलकाता, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा होंगे, आप सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:36। ओके, 7:36 हो चुका है और ये सुबह का जो गाइस रूटीन होता है, अर्जमी को रेडी करके स्कूल भेजना, देन वो सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। सुबह के टाइम पे तो इतना सा भी टाइम नहीं मिलता है कि फटाफट उठ के सुबह उठ के ब्लॉग शूट कर सकूँ। वो तभी हो पाता है जब सुबह 5 बजे उठो, तब ऐसा तो होता नहीं है। 6:30 बजे उठी हूँ, फटाफट ब्रश वगैरह खुद किया, फ्रेश हुई, होने के बाद अर्जमी के टिफिन वगैरह रेडी किया, देन दीदी ने उसको रेडी किया स्कूल के लिए करके, अभी उसको स्कूल वगैरह भेज के और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना, मेन मुद्दा कि ना मेरी आँखों में आज नींद है, मतलब नींद आ रही है आज, तो मेरी आँखें ही नहीं खुलती, मतलब मन कर रहा है ना अभी भी जाके ऊपर चुपचाप सो जाऊँ। आई डोंट नो क्यों, 3-4 दिन गैप पड़ गया ना अभी अर्जमी का स्कूल का, इसीलिए। तो खैर, एनीवेज आज का प्लान गाइस थोड़ा सा अलग है, प्लान अलग है इन द सेंस, आज जाना है बाहर, फटाफट घर की सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, देन खाना वाना भी बनाना है, जेजू का भी, नर्सी भी और दादी उन लोगों का भी, और आज है जाना कलकत्ता। ठीक है, तो बने रहना ब्लॉग के। इसमें नीचे से ऊपर तो आ गई, पर देखो नीचे कैसे ताड़ रही है मुझे, ये देखो, ये देखो कैसे ताड़ रही है मेरे को, कैसे ताड़ रही मैंने तो कैसे ताड़ रही है पुत्री, अटैक के मैं सभी चाय पानी वगैरह पीते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह हल्का करते हैं, करके फिर सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट होते ही मैंने लिजू को कर लिया है वॉशरूम में कैद, और घर की सारी चीज़ ऑलमोस्ट ही हो गई है, थोड़ा सा और बाकी है, तो अभी मैं आदि दोनों मिल के कर ले रहे हैं। ठीक है, वो लिजू गई थी वॉशरूम में, मतलब गेट बंद हो गया, फंस गई वो अंदर, मैंने गेट खोला, अब मेरे हाथ पे आ गई थी, इसी वजह से मैंने सोचा अब इसको नहला देते हैं। ठीक है, वो अभी कैद हो चुकी है और वॉशरूम में से चिल्ला रही है, देखना बस उसकी हरकत। तो गाइस देखो, अभी मैंने लिजू तो अपने जाल में फंस गई है, अब मैं उसको नहलाने के लिए शैम्पू वगैरह भी ले रही हूँ। ठीक है, वो तो ड्राई शैम्पू है। हेलो लिजा, क्यों पुत्र आज पुत्र नहीं नहीं करिए, चंगी तरह शैम्पू लगाओ और लिजू को नहलाओ, क्योंकि लिजू जल्दी से हाथ में नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से अपने जाल में लिजू फंस गई है और अभी हम लिजू को नहलाने वाले हैं। तो गाइस, आज का प्लान है, हमें जाना है कोलकाता। ओके, कुछ चीज़ें लेकर आनी है, तो आपको मिलते हैं फटाफट, सारी चीज़ें घर की करके लिजू को ड्राई वगैरह करती हूँ, करके आपको सीधा मिलती हूँ निकलते टाइम। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला था निकलते टाइम मिलते हैं, तो दीदी ने बोला थोड़ा सा रुक के निकलेंगे, ड्राइवर अंकल का फ़ोन किया है, वो 1:30 बजे के अराउंड आएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। वैसे तो घर की सारी चीज़ ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट, और जो बाकी है वो दीदी मेरी लगी हुई नीचे करने, और ये देखो इसको लेकर आई हूँ, जानबूझ के लेकर आई, पूरा नहला दिया, ड्राई कर दिया, करने के बाद 10 से 5 मिनट मैं ना इसको अच्छे तरीके से धूप लगवा देती हूँ उसकी पूरी बॉडी में, है ना, फिर इसको लेके जाती हूँ नीचे। और वेदर बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो रखा है आज, सीरियसली आई लव इट, मस्त वेदर है, देखो आसमान देखो कितना मस्त लग रहा है, ओ माय गॉड ऑसम, देखो अब इसकी हरकतें, लिजू पकड़ो, लिजू को पकड़ो, गाइस मेनली हमारा पता है कोलकाता जाने का रीज़न यही है, एक तो अर्शवीर का एग्ज़ाम हो रहा है स्टार्ट कल से, और ट्रैफिक वगैरह लगता है तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है आने जाने में ही, तो जाएंगे। मेनली हमारा जाने का मतलब रीज़न यही है कि लिजू के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आने, इसके शैम्पू वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए हैं, इसके लिए लेकर आनी है सारी चीज़ें और कुछ घर के लिए सारा सामान, तो मेनली हम जा रहे थोड़ा सा बाज़ार वगैरह करने। ओके, अभी देखो ये घूम रही है, इसकी बॉडी में मस्त धूप लगवा, बुद्धा इधर आओ, लीजो इधर आओ, पुत्र आपा इधर आओ, एक चीज़ी, एक चीज़ी, 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 इधर आओ,
एक चिज्जी देखिए, नहीं मानेगी अभी, देखा देखा एक बार देखा। इसके अभी ना हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, देखो ये देखो, देख रहे हो ऐसे बाल आते इसके। तो मिलती हूँ आपको निकलते टाइम अब सीधा। तभी अर्शवीर की स्कूल की छुट्टी हो गई और अर्शवीर को लेके हम जा रहे हैं घर, करनी थी शॉपिंग जो हुई नहीं, बाहर का वेदर हो गया खराब। और आज सुनने में आ रहा है कि बाहर बहुत कुछ हो रहा है, दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो इसी वजह से जाम बहुत, ट्रैफिक एक बर्फ नज़ारा। कोई कुछ भी नहीं कर पाए, जैसे दवाइयाँ वगैरह लेनी थी, शॉपिंग करना था। बाहर से आके ना हमने खा पी के थोड़ा सा करा रेस्ट, क्योंकि बहुत थक गए थे और ट्रैफिक वगैरह भी बहुत था। तो अभी जस्ट आधा एक घंटा रेस्ट करके उठे हैं, उठ के और फिर अपनी कल का उसका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इधर चिकू आया है पढ़ने, ये रहा है ठीक है। और लीजू बैठी है, जैसे आज तक लीजू अपने जाल में फंस गई थी। गोरी गोरी लग रही है ना, गोरी गोरी सोनी कुड़ी, गोरी गोरी लग रही है, चिट्टी चिट्टी मेरी गोरी चिट्टी। साऊ पता है तो साढ़े साऊ पता है। तो अभी बारी है बस चाय पानी बनाते हैं, चाय पानी वगैरह पीते हैं। और दीदी हम लोग सारे बैठे हुए हैं और लीजू रानी स्पिनिंग से आज नहा के लीजू एकदम फ्रेश हो गई है ठीक है। तो चाय पानी वगैरह पीते हैं, रात खाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस जैसे जी को लग गए वैसे ही हमने फटाफट खाना पीना बनाया। और गाइस अभी हम जा रहे खा के रेस्ट करने, देन ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ब्लॉग कर दे रही हूँ यहीं पे एंड। उससे एंड करने से पहले मैं बताती हूँ, अर्शवीर के गाइस कल से एग्ज़ाम हो चुके हैं स्टार्ट, सो नो नेग्लिजेंसी ओके। और दीदी तो आपको पता ही है अच्छे तरीके से, आप बाकी तो कि अर्शवीर की स्टडी को लेकर दीदी को ज़्यादा ही प्रेशर में रहती है और होना भी चाहिए ठीक है। प्लीज वो भी सोई हुई है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही, ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड खाने में बस। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो गाइस आप मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। एंड गाइस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।